श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की, जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। हर हर महादेव। दोस्तों गुरु जी ने सोमवार की अष्टमी पे करने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है, जिसको करने से यदि आपको कोई काम अटक रहा है, बहुत सालों से वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, फाइल अटकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, सारी कोशिशें करके देख ली पर आपको कोई भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आपको इस सोमवार अष्टमी को ये उपाय ज़रूर करके देखना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस बार सोमवार की अष्टमी 10 जुलाई को पड़ने वाली है, तो इस उपाय को ज़रूर ट्राई करिए। ये उपाय आपके जीवन में कई बदलाव ला सकता है। इस उपाय को करने की सारी विधि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए बेलपत्री के पत्ते से, तो चलिए जानते हैं आगे आपको इस उपाय में करना क्या है। दोस्तों, आपको देसी गाय की दूध लेना है, देसी गाय, जर्सी गाय नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि देसी गाय का ही दूध इसमें उपयोग करें। देसी गाय के दूध लेना है और एक बेलपत्री को लेना है। अब शिवालय जाकर, या तो आप इस उपाय को मंदिर अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। अब आपको एक कटोरी में देसी गाय का दूध लेना है और उस दूध को बेलपत्री की पत्ती से बूंद बूंद करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते जाना है। पूरे दूध को बेलपत्री की सहायता से बूंद बूंद करके धीरे धीरे और अपने पूर्ण भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद उस बेलपत्री को, जो कि दूध में सना हुआ है, उसे उसी जगह जहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी जगह पर अर्पित कर देना है। और ध्यान रखना है कि डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, ना कि शिवलिंग की तरफ। इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि जब भी बेलपत्र वहाँ पे आप समर्पित करेंगे, दूध चढ़ाने के बाद जब बेलपत्र आपको रखना है, अशोक सुंदरी के स्थान पे रखिए और उसे उसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर ही होना चाहिए। यदि किसी कारणवश कल आप सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय नहीं कर पाए, तो पूर्णिमा तिथि को भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप करिएगा। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।